वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। अभी के बज रहे हैं 3:19 और मेरा 4 का शिफ्ट है। मैं लेट हो चुका हूँ तो मुझे थोड़ा फटाफट पहुँचना होगा, नहीं तो फिर से आज झाड़ पड़ेगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एयरपोर्ट पहुँच के। फाइनली रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम, ठीक 3:55 में। चलिए अंदर देखते आज क्या लोकेशन है मेरा। इंडिगो 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 इंडिगो, आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे आपको इंडिगो ही मिलेगा। जितना भी दूर तक देखेंगे आपको इंडिगो ही दिखेगा। भाई साहब, इस पैंडेमिक में या फिर अपने एविएशन करियर में अगर कोई एयरलाइन अपना दबदबा बनाया तो वो इंडिगो ही है। रीच्ड होम, अभी बज रहा है 2:40। मैं टॉट 2 निकला था, 40 में पहुंच गया। नॉट बैड। नहाना डन, अब चलते हैं पेट पूजा करने के लिए। लेकिन पेट पूजा करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आज फ्लाइट पकड़ रहे हैं या अगले हफ्ते या इस हफ्ते के एंड तक फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो 1 एक्स्ट्रा लेके ट्रैवल करिएगा टिल एयरपोर्ट। रीज़न ये है कि एयरपोर्ट तक बहुत जगह रोड सर्विस हो रहा है और बहुत जगह खोदा गया है तो ट्रैफिक जाम्स बहुत हो रहे हैं। जहाँ मैं आधे घंटे में आता था वह 40-50 में आ रहा हूँ। सुबह का बात अलग है लेकिन वर्किंग लाइक ऑफिस आवर्स 10 से लेके शाम का 8-9 तक बहुत जाम हो रहा है। तो प्लीज़ अपना टाइम लेके निकले और अब मैं चला पेट पूजा करने। तो आ चुका हूँ खाने के टेबल पे और एज यूजुअल मटर, पनीर में मटर, आलू में मटर, जिंदगी में मटर हो गया है। मम्मी चावल मटर खाते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने रूम को अंधेरा कर चुका हूँ, मतलब खाने के बाद मेरा सोने का टाइम आ चुका है। बिकॉज 4 का शिफ्ट है, सोना तो बनता ही है। तो सो के शाम को उठते हैं और मिलते हैं आपसे गरम गरम चाय पे। वेलकम बैक गाइस, अभी सो के उठा हूँ और शशि बना रही है चाय। और आज ऑफिस था तो क्रिकेट मैच के बारे में इतना ध्यान नहीं रहता, पर अभी जब सो के उठा तो नोटिफिकेशन आया मोबाइल में। तो चलिए जब तक चाय बन रहा है तब तक टीवी में बैठ के मैच देखा जाता है क्योंकि इंडिया अभी बैटिंग कर रहा है। और ये देखिए, शिखर धवन ने जस्ट अभी 4 मारा है। वाओ, टीवी खोलते अगर ऐसा नज़ारा हो तो फिर क्या ही बात है। और अभी स्कोर है 44-0, ओवर चल रहा है, 8 7 हो चुका है। वाओ, और चाय रेडी है, मैच भी चल रहा है, उसके संग स्नैक्स और पूरा फैमिली एक साथ। वाओ, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन, लविंग इट। और अभी स्कोर है 68-1। मैं जूम नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे हाथ में चाय है। चाय अभी मैच देख रहा था, मैच देखते देखते मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। और वो नोटिफिकेशन जब आया तो लाइक लगा कि एक बार वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और आपको बता देते हैं कि 7 को हुआ क्या था। लाइक अभी जस्ट एक अपडेशन आया कि मिड एयर कोलिशन बिटवीन 2 एट किया एयरपोर्ट 7 लाइक अगर इसको ब्रीफ में लिखा गया है, मैं गूगल से देख रहा हूँ, अभी देखा हूँ कि किया एयरपोर्ट विच इज़ केम्पो गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से 2 इंडिगो का, जो कि एक कैलकटा आ रहा था और एक भुवनेश्वर आ रहा था, वहाँ पर 2 विच इज़ एट नॉर्थ रनवे एंड साउथ रनवे, तो दोनों साइमल्टेनियसली डिपार्ट अ फ्लाइट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द सेम डिस्टेंस कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, इन अदर वर्ड्स पैरेलल रनवे, मतलब पैरेलल रनवे था जो कि एक ही टाइम पे ही यूज़ हो गया एज अ टेक ऑफ, परमिशन दे दिया गया। जब
ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इंसिडेंट द नॉर्थ रनवे वॉज बींग यूज फॉर डिपार्चर इन द साउथ. मॉर्निंग में ये दोनों जो रनवे था, जो साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ वाला यूज़ हो रहा था डिपार्चर के लिए और साउथ रनवे यूज़ हो रहा था अराइवल के लिए. जो शिफ्ट इंचार्ज था डिसाइड टू क्लोज द साउथ रनवे बट फेल टू इन्फॉर्म. मतलब शिफ्ट इंचार्ज साउथ रनवे को क्लोज किया बट ये किसी को बताया नहीं. और क्या हुआ इसमें कि दोनों एयरक्राफ्ट को डिपार्चर टेक ऑफ करने के लिए परमिशन दे दिया गया जबकि एंड मोमेंट में देखा गया कि ये डिसीजन गलत है और रोक दिया गया. भाई साहब दो अलग अलग रनवे यूज़ कर रहे हैं आप और शिफ्ट इंचार्ज ATC को बताना भूल गया, कितना बड़ा बात है. अगर अगर कुछ हो जाता तो कितने सारे जाने, मतलब सोच के भी घबराहट होती है ये चीज़. तो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ दिख गया और रोक दिया. पर ये अब ये इन्वेस्टिगेशन बैठेगा कि कौन शिफ्ट इंचार्ज था, किसने बोलना भूल गया, कौन ATC वाला था जो ध्यान नहीं दिया, किसने परमिशन दे दिया, सारा इन्वेस्टिगेशन अब बैठेगा. ये सोचिए 7 तारीख हुआ और अब जाके ये रिवील हुआ है इतने दिन बाद. और आज मैं हमेशा वीडियो में आपको ये दिखाता हूँ कि आज ये बना, आज ये बना, आज ये बना, पर आज अपन चाउमीन बनाएगा, वो भी अंडा चाउमीन. और मैच की बात करें तो कोहली भी हाफ सेंचुरी मार के आउट हो चुके हैं और ऋषभ पंत अभी बैटिंग कर रहे हैं, अय्यर बैटिंग कर रहे हैं. और तो इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है पर विकेट गिरते जा रहे हैं. धवन भी 75-76 बना के आउट हो गया. एक चीज़ तो है लेकिन कोहली कम बैक किया है विच इज़ वेरी गुड. लाइक लग रहा था कि क्या हो गया इतना उसका फॉर्म ख़राब हो रहा, पर अभी बहुत ही अच्छा वो फॉर्म में आ गया, चाहे वो टेस्ट हो और वनडे हो, दोनों में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. तो बस आ चुके हैं अपना बाइक पार्क करने के लिए क्योंकि कल मेरा वीक ऑफ है, तो धन्नों को पार्क करके कवर चढ़ा देंगे. चलते हैं चाउमीन बनाने क्योंकि एक बार में तख्त बदल गया, जज्बात बदल गया और आज का मैच हम हार गए हैं. तो ओवर टू किचन. तो बनाने जा रहा हूँ मैं आज अंडा चाउमीन. तो शुरू करते हैं रिफाइंड तेल के साथ. इसमें है प्याज, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, हरा प्याज और हरा मिर्ची. तो शुरू करेंगे पहले हरा मिर्ची और प्याज के साथ. विनेगर डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, अजीनोमोटो, नॉर्मल नमक और ब्लैक पेपर, जिसको बोलते हैं गोलमरीच पाउडर. मैंने बीन्स डाल दिया है, थोड़ा आंच तेज करेंगे. अब डालेंगे गाजर. प्याज डाल दिए हैं, अब ये हरा प्याज का जो पत्ता है ये लास्ट में डालेंगे. अंडा का भुर्जी जो पहले से मैंने बना के रखा था. मैंने अजीनो मोटो चाइनीज सॉल्ट डाल दिया है, अब डालूंगा ब्लैक पेपर. खाना थोड़ा सा स्मोकी बनाऊंगा. सर चाउमीन डालो मम्मी. Thank you.
मिला दिए, अब लास्ट में मिलाएंगे हरा प्याज। इसमें डालेंगे सोया सॉस, हम डालेंगे काला विनेगर, अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। रजत और मम्मी ये देख के आप लोग जरूर मिस करेंगे। शशि खा के बताओ कैसा है, जेन्युइनली बना बताना। पक्का? ठीक है फिर। इसके लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा केयर, गुड नाइट एंड प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनिएगा। कल मिलते हैं फिर आपसे। बाय बाय।